डाइंज आ रहा है, तो डाइंज ये रहेगा फर्श, और बाहर का फर्श रहेगा वो एक रेजर खड़ी होगी दोस्तों, इस प्रकार से रेजर, और रेजर के ऊपर आधा इंच ये रखेंगे पत्थर बार, तो 10 10 इंच ये रहेगा दोस्तों टप्पा। ये दोस्तों फर्स्ट सीढ़ी लगाई, और फर्स्ट सीढ़ी लगाने के बाद में यहाँ पे हमने बांध दिए लाइन दोरी, और ये पत्थर जितना बार रखेंगे इस तरफ। और हेलो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको सीढ़ी के बारे में, सीढ़ी का दोस्तों नाप कैसे निकाले, इसका पत्थर कैसे कटिंग करें, और कहाँ से फिटिंग का शुरुआत करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। और नए मिस्त्री भाई काम सीख रहे हैं, इनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें तो आपको सारी जानकारी मिलेगी सीढ़ी के बारे में। ये दोस्तों सीढ़ी डबल खाँचा है, ये नीचे भी खाँचा है, ऊपर सीढ़ी रहेगी, और नीचे दिखने में दोनों तरफ से सीढ़ी दिखेगी, तो इसका परफेक्ट नाप निकाले, और परफेक्ट जानकारी बताता हूँ लेवल कैसे निकाले, और माप कहाँ से निकाल लेते हैं, और शुरुआत कहाँ से करें। चलो देखाता हूँ मैं आपको नाप निकालने के बारे में। देखिए दोस्तों, अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा नहीं पूरा परफेक्ट जानकारी, इसलिए वीडियो में बने रहना और पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा नाप के बारे में। चलो दोस्तों कहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखना, मैं पूरी जानकारी बताता हूँ कहाँ से मैंने शुरुआत किया है, कैसे इसका फर्श का नाप निकाला है। ये दोस्तों फर्श फर्श का नाप निकाला है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्श आएगा दोस्तों, ये 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 इंच ये रहेगा फर्श, और बाहर का फर्श रहेगा वो एक इंच नीचे रहेगा, इससे बारिश का पानी रहता है तो वो बाहर ही रहेगा, और अंदर वाला फर्श और बाहर वाला फर्श में 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे। तो इस लेवल से अपन ने नाप निकाला है, ये दोस्तों फर्स्ट वाली सीढ़ी इस तरफ ढलान है, तो इसका ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि यहाँ से नाप निकालते आगे बढ़ जाते हैं, पूरा फर्श को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, फर्श में कितना माल आता है, फर्श का भी माल आना जरूरी है और सीढ़ी वाला भी नाप आना जरूरी है। तो अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से दोस्तों लेवल निकालेंगे पूरा, ये फर्श वाला, ये फर्श वाला और नीचे फर्श का नाप निकाल है, सही है, यहाँ से अपन लेवल निकालेंगे। ये दोस्तों या इस नाप से अपन ने लिया लेवल, तो ये लेवल यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ परफेक्ट नाप, ये यहाँ पे लेवल आ रहा है, ये हो गया इसका लेवल, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस तरफ दोस्तों, आ गया यहाँ पे लेवल, यहाँ से लेवल आएगा सामने वाला, वो सामने लेवल किया मैंने, ये आ गया अपना लेवल कंप्लीट लेवल, ये हो गया कंप्लीट लेवल, और यहाँ से अपन निकालेंगे हाइट, अब दोस्तों यहाँ से अपन लेंगे हाइट का नाप, कितने इंच आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ तक आया अपने 100 इंच, 100 इंच से अपन आगे बढ़ेंगे, और ये दोस्तों इसका फर्श आ गया, ये दोस्तों इसका फर्श है, और फर्श और ये 100 इंच, ये दोस्तों 139 है, 139 इंच आ रहा है, तो इसमें अपन लगाएंगे सीढ़ी का भाग, दोस्तों टोटल सीढ़ी अपनी 21 सीढ़ी है, तो 21 सीढ़ी इसमें से भाग लगाएंगे, 139 है। चलो भाग निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसका पत्थर कटिंग करना है, सीढ़ी का हाइट आ गया दोस्तों 6.61, ये तो आ गई इसकी हाइट, और इसकी टप्पे की चौड़ाई कितनी है रखनी है वो पहले सीढ़ी की जांच कर लेते हैं, इसमें 19-20 है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, तो ये सारी सीढ़ी को एक नाप की बनानी है, तो वो पहले अपन चेक कर लेते हैं कितनी है चौड़ाई। ये दोस्तों फर्स्ट वाली 10 इंच है, आप देखिए ये 10 इंच है, ये 9.5 है, 9 इंच की है, ये दोस्तों 9.5 इंच की सीढ़ी, ये 9.5 इंच की सीढ़ी, तो ये 10.25 की, तो ये डिफरेंस है, तो इसको अपने अपने को इसको सुधार करना है, एक ही नाप की सारी सीढ़ी बनानी है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसमें कम ज्यादा हो गया माइनस प्लस तो ये दोस्तों साइज कम हो जाए, तो इस बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, वो मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। तो अपन नाप निकालेंगे इसका कि कितनी सीढ़ी और कहाँ से शुरुआत आएगी, तो अपने सारी सीढ़ी 10 इंच की बनानी है, तो 10 इंच की बनाने के लिए अपन इसका सामने पकड़ इसका नाप निकालेंगे, तो ये दोस्तों टोटल सीढ़ी 12 है, तो ये 12 आ गई, 120 इंच आ गई, ये दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ये 120 इंच, तो ये आ गई टोटल सीढ़ी 10 इंच के हिसाब से 120 आ रहा है, यहाँ पे ये मार्किंग आया 120 इंच, ये दोस्तों
यहाँ से करेंगे लेवल, सावर में करेंगे, फिर सावर में करके लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों अपने सावर में आ गया नाप इसका, ये तो यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन, जो सीढ़ी बनाएंगे वो दोस्तों यहाँ से फिटिंग करेंगे। यहाँ से रेजर खड़ी होगी दोस्तों इस प्रकार से रेजर, और रेजर के ऊपर आधा इंच ये रखेंगे पत्थर बार, तो 10 10 इंच ये रहेगा दोस्तों टप्पा, और आधा इंच रहेगा बार, तो ये टोटल हो जाएगा सीढ़ी तैयार 10.5 इंच की। ये अपने 10.5 इंच की सीढ़ी तैयार होगी। इस प्रकार से दोस्तों नाप निकाले और इसका पत्थर कटिंग करेंगे, तो ये अपने 10 इंच है, 10 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 इंच का अपन पत्थर काटेंगे। ये तो आ गया टप्पा, टॉप वाला पत्थर 11.5 इंच का अपन करेंगे कटिंग, और इस ये टोटल दोस्तों ये आ गया 10.5, ये आ गया टप्पे की चौड़ाई, और इसकी हाइट रहेगी वो 6.61 इसकी हाइट रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों अपन सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों ऐसे ये आया उसका नाप। अब मैं आपको टप्पा दिखाता हूँ परफेक्ट। देखिए दोस्तों सीढ़ी का नाप निकालने का मैं सही तरीका बताता हूँ। अपने 139 है, इसमें से भाग लगाएंगे अपने एक की सीढ़ी का भाग लगाएंगे तो 6.61 आ रहा है। तो इस प्रकार से सीढ़ी बनेगी 6.61 यानी कि 6.5 और 2 mm के आसपास में सीढ़ी बनेगी। और वापस मैं आपको दिखाता हूँ 6.61 × 1 की सीढ़ी, ये आ गया 138.81 हो गया ना अपने 139 इंच। ये है सीढ़ी का नाप निकालने का सही तरीका। इस प्रकार से दोस्तों नाप निकालना। अब दोस्तों सीढ़ी का टप्पा कितना काटा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 11.5 इंच का टप्पा दोस्तों काटा है हमने, तैयार करके रखा है, और 11.5 इंच ये टप्पा तैयार है, और इसकी चौड़ाई ये लंबाई है वो दोस्तों 37.5 इंच है। ये दीवार से मोल्डिंग इतना बार आएगा दोनों तरफ से, ये तो ये तैयार होगा जब ये 11.5 इंच 10.5 इंच की सीढ़ी तैयार होगी। ये दोस्तों 10.5 इंच की, और इसकी रेजर कटिंग करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ रेजर के बारे में। तो अपने 6.61 आ रहा है, ये 6.61 आ रहा है, तो अपने रेजर आएगी वो 5.25 और 2 mm रखेंगे, और 5.5 इंच में 2 mm कम रहेगा, ये आया अपना रेजर का नाप। इस प्रकार से रेजर कटिंग करेंगे। चलो देखिए दोस्तों अब यहाँ से काम की शुरुआत करेंगे। तो ये दोस्तों फर्स्ट सीढ़ी में गलती ये है कि दोस्तों ये पहले से बड़ी है, 9 इंच की है, तो इसमें फर्श का नाप निकाला दोस्तों। ये आया फर्श, और फर्श से अपन ये फर्श का लेवल, और यहाँ से किया 12 इंच, तो ये आ गया फर्श। फर्श से लेवल से अपन रेंज को बड़ी रखेंगे। ये दोस्तों फर्श वाली रेंज बड़ी रखी है, और बड़ी रेंज को अंदर करेंगे फिटिंग। तो ये फर्श से अपने सीढ़ी एक नाप की आएगी, और यहाँ से अपन लेंगे काट कोनिया, तो इस दीवार से अपन काट कोनिया के आधार से रेंज फर्स्ट वाली खड़ी करेंगे। ये दोस्तों फर्स्ट वाली, और वो 120 इंच पे मैंने बताया था आपका आपको नाप। तो ये 10 इंच के हिसाब से 12 सीढ़ी है, तो ये 12 सीढ़ी का यहाँ पे आता है नाप इसका। यहाँ से करेंगे अपन रेजर को लेवल में दोस्तों, रोक अब दोस्तों इसको करेंगे यहाँ से काट कोनिया में। ये दोस्तों आ गया काट कोनिया, इस लीवर से काट कोनिया, और ये लेवल, और ये यहाँ से करेंगे इस लेवल से फिटिंग, और फर्स्ट पट्टी पे लगाएंगे यहाँ पे केमिकल दोस्तों। ये केमिकल फर्स्ट पट्टी पे लगाने से मजबूत हो जाएगा ये।
और ये दीवार के टच होगा इस लेवल से, ये दोस्तों इस दीवार से लेवल, ये दोस्तों इस पत्थर जितना धार बाहर रखेंगे यहाँ पे, तो ये साइड वाली ये इस आधार से धार बाहर रखेंगे और उसको करेंगे लेवल। ये दोस्तों फर्स्ट सीढ़ी लगाई, और फर्स्ट सीढ़ी लगाने के बाद में यहाँ पे हमने बांध दिए लाइन दोरी, और ये पत्थर जितना बाहर रखेंगे इस तरफ, और ये भी पत्थर जितना बाहर, फिर वापस रेंज लगाएंगे तो ये पत्थर जितना अंदर रखेंगे, और यहाँ से लेंगे ओपन नाप। ये दोस्तों अंदर से इस रेजर से इस रेजर तक ये 10 इंच आ गया दोस्तों, ये 10 इंच, और वापस ये आ गया दोस्तों 10 इंच, और ये मोल्डिंग बाहर आएगी आधा इंच पत्थर थिकनेस जितना, तो ये अपन सीढ़ी बनाएंगे वो रहेगी 10.5 इंच की, और इस रेजर से रेजर रहेगी वो दोस्तों 10 इंच आता है माप, और यहाँ पे भी 10.5 इंच करेंगे, ये किया 10.5 इंच है, और यहाँ पे रखेंगे एक सपोर्ट, एक बार इसका मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने से दोस्तों आपको हिलेगी तो पट्टी का ध्यान रहेगा कि पट्टी इतनी हिल गई है, ये खिसती है तो अपने को मार्किंग करके रखना है यहाँ पर। ये यहाँ से आएगी ये दोस्तों सीढ़ी अपने इस नाप से, इस नाप से अपन सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों सारी सीढ़ी एक ही नाप की बनाएंगे, और दूसरी बात ये दोस्तों फर्स्ट रेजर कितनी रखेंगे अंदर, तो ये पूरी सीढ़ी मजबूत हो जाएगी, ये डीप में चली जाएगी, इधर आएगा फर्श, तो फर्श आने के बाद में अपनी सीढ़ी बनेगी। ये दोस्तों मैंने बताया था 6.61 आ रहा था, 6.61 ये दोस्तों रेजर से ये पत्थर जितना बाहर है पत्थर ये दोनों तरफ, और इसकी बांध दी हमने लाइन दोरी किस प्रकार से बांध दी मैं आपको पूरी परफेक्ट जानकारी बताता हूँ। ये दोस्तों सीढ़ी का पत्थर का टॉप है, ये मैंने रखा है, और ये पत्थर जितनी मोल्डिंग बाहर रखे इस लेवल से हमने लाइन दोरी बांध दी। लाइन दोरी बांधने के बाद में पूरी सीढ़ी एक लेवल से फिटी। देखिए दोस्तों ये लास्ट सीढ़ी मैंने आपको बताया था, ये 4 टुकड़े रख के नाप, तो एक टुकड़ा इसमें नहीं है ये रहा, तो ये आ गया अपने लेवल से सीढ़ी, और ये नाप आप देख सकते हैं मैंने नाप दिखाया था वो सेम टू सेम नाप ये आ गया, ये लास्ट सीढ़ी वाली है, और ये टप्पा दोस्तों लास्ट वाला पेंडिंग रखेंगे, तो अब इसको नाप आया, अब इसको करेंगे कटिंग और पूरा टप्पा बिठाएंगे, तो वो किस नाप से बिठाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रमा बंद कर, ये दोस्तों यहाँ पे ग्रेनाइट का पूरा पट्टा लगाएंगे 11 इंच का ये इस भाग में, तो ये मजबूत रहेगा, और इसके ऊपर रहेगी रेलिंग, और ये मोल्डिंग जितना पत्थर रखेंगे बाहर दोस्तों, तो ये पूरी मोल्डिंग है, पूरी मोल्डिंग ये ऐसे इस तरफ घूमेगी, तो इसका लुक बहुत बढ़िया रहेगा, और ये मोल्डिंग भी ज्वाइंट हो जाएगी, और ये मोल्डिंग पूरी सीढ़ी, तो इस प्रकार से ये मजबूत हो जाएगा। और इस टप्पे का नाप निकाले दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे नाप निकाले, ये दोस्तों इसका नाप ऐसे निकालेंगे, अब यहाँ से पूरा नाप आएगा और ये टप्पा तैयार करेंगे ऊपर आवड़ा बना। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, इस प्रकार से इसका टप्पे का नाप निकालेंगे तो ये परफेक्ट नाप आएगा दोस्तों, ये यहाँ से बनाएंगे, ये टप्पे का आ गया नाप दोस्तों 24-26 आ रहा है नाप, तो ये दोनों तरफ आएगा एक जैसा नाप 24-26, ये आ गया दोस्तों फाइनल नाप 26 का। अपन पत्थर काटेंगे और इस लेवल से पूरा पत्थर फिटिंग करेंगे, यहाँ पे पूरा बॉर्डर ग्रेनाइट का लगेगा, बॉर्डर लगाने के बाद में पट्टा लगाएंगे, पट्टा लगाने के बाद में यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे टाइस, तो वो टाइस इतनी पत्थर जितना थिकनेस रखेंगे ऊपर, तो यहाँ से पानी गिरेगा या पोता होगा तो नीचे नहीं गिरेगा, इस बात का दोस्तों ध्यान रखें। मैं आगे दिखाता हूँ पूरा इसके बारे में। देखिए दोस्तों ये लार्ज शेडिंग
बना के कर दी तैयार। और इस लेवल से सीढ़ी बनाइए और यहाँ से लगाएंगे हम पूरा ग्रेनाइट का पत्थर, तो इसके लेवल से आएगा पूरा पत्थर। पत्थर लगाने से पहले पानी डाले, पानी डालने के बाद में देखो अच्छे से घोल डाले, घोल डालने से इसकी मजबूती डबल हो जाएगी और पत्थर हिलेगा नहीं। यहाँ से जब ड्रिल मशीन से होल करते हैं तो ड्रिल फिटिंग करते वक्त में पत्थर पूरा गिर जाता है दोस्तों। ये दोस्तों पत्थर जॉइंट किया और यहाँ से हमने किया लेवल, ये हो गया दोस्तों लेवल। लेवल करने के बाद में दोस्तों मैं आपको नाप दिखाता हूँ। और ये दोस्तों नाप भी हो गया लेवल और ये आ गया पूरा नाप। ये दोस्तों मोल्डिंग बार जितना लिया है नाप, और ये आ गया लेवल। ये पूरा पट्टा इस तरीके से पूरा लेवल बिठाएंगे और ये हो गया पूरा पट्टा फिटिंग। और इसको पट्टी से लाइन देखेंगे दोस्तों, ये हो गया पट्टी में लेवल, पत्थर पूरा फिटिंग देंगे चारों तरफ। ये दोस्तों लाइन जोड़ने दोस्तों मैंने सीढ़ी बनाई सेम नाप की, 6.61 आ रहा था, ये 6.5 और 2 mm का आसपास है ये सीढ़ी। मैंने टोटल बना के कर दी थी यार, 21 सीढ़ी इस माप से बनाई है सेम टू सेम माप। और दोस्तों वो छोड़े ही बताई थी वो, ये सेम नाप आ गया, ये सारी एक नाप की सीढ़ी बनाई है टोटल। आप देख सकते हैं इस प्रकार से नाप निकालने का सही तरीका ये दोस्तों। ये टोटल आप देख सकते हैं सीढ़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस प्लस नहीं है और नहीं छोटी बड़ी, इसमें सेम नाप की टोटल सीढ़ी बनाई है। और कॉर्नर में हमने दिया है पट्टा पूरा ग्रेनाइट का, इस प्रकार से लुक रहेगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मजबूती के साथ में काम किया पूरा। ये दोस्तों मैंने दिखाया था आपको, तो ये 2.5 इंच माल आएगा और ये सेम नाप से अपना काम हो गया पूरा। और ये हमेशा दोस्तों सीढ़ी लगाने से बाद, लगाने के बाद ये फर्श करें तो आपकी सीढ़ी टोटल सेम नाप की रहेगी। कभी पहले फर्श नहीं लगाना, फर्श लगाना सीढ़ी लगाने के बाद में, तो आपका काम भी सही होगा। और यहाँ पर आएगी इतनी धार बार, इस प्रकार से काम करें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगी। हर सोमवार शाम 6 बजे ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये दोस्तों पट्टी में हो गया कंप्लीट आपका काम भी सही होगा। और ये दोस्तों ग्रेनाइट पट्टा लगाने से ये फायदा है कि अपने काम में लेवल से होता है, और ये बाद में बिठाते तो इसमें तकलीफ होती है या फिर बैंड टूट जाता है, इसके आधार से प्राइस बिठाई और अपना काम सही होता है।